बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन हैं, उनसे बात करेंगे कि आज इन्होंने छठ घाट का दौरा किया है, क्या कुछ है, वाटर लेवल अभी भी ज़्यादा है। देखिए, जो अभी हम लोगों ने रिव्यू किया है, जो देखने के बाद लगा कि पानी का लेवल घट रहा है, लेकिन स्टिल पानी अभी है। और हमारे पार्षद और बाकी लोगों ने बताया कि अप्रोच पथ की समस्या, तो कमिश्नर को निर्देशित किया गया है कि जो अप्रोच पथ है वो हम लोग ठीक रहे। महेंद्रू में चूंकि पीपा पुल वाला भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो बाज घाट से और पहलवान घाट से हम लोग अप्रोच को क्लियर कर रहे हैं, ताकि कलेक्ट्रेट तक लोग, जो उसका पार है, वहाँ तक आके लोग छठ कर पाएँ। कई जगहों पर घाट जो है बंद किया गया है वाटर लेवल ज़्यादा होने के कारण। देखिए, सुरक्षा के दृष्टि से जो भी निर्णय लेने होंगे लिया जाएगा। देखिए, कोई भी घाटवर्ती आए, हम लोग उसके लिए सभी तरह की व्यवस्था करें, लेकिन वो सुरक्षित रहें इसका भी चिंता करना है। तो उसके दृष्टि से जो भी ज़रूरतें हैं, जहाँ पर लगता है घाट खतरनाक हो सकते हैं, वहाँ पर रोका जाएगा। सर, एक सवाल है कि बिहार में शराबबंदी और इस तरीके की लगातार छठ के समय इतना शुद्ध वातावरण में कहाँ ये सब विषय ला रहे हैं आप? फिर भी एक सवाल ये सब जो वो सब छठ के समय में सबका शुद्धता है, सभी को भगवान ताकत दे कि इस दौर से, इस मनोस्थिति से बाहर निकले। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन। हालांकि हमारे सवाल भी कई थे पॉलिटिकल सवाल, जिस तरीके से कहा जाए कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी को लेकर इस तरीके की जो खबरें निकल कर सामने आ रही है, कई लोगों की जान गई है। अब तक जो हमारे हिसाब से आंकड़ा है, अब तक 32 लोगों की जान जो है बिहार में जहरीली शराब से दिवाली के दिन गई है। और उसके बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें जो है देखी जा रही है, त्यौहार के बाद इस पर विस्तृत समीक्षा करने वाले हैं मुख्यमंत्री। लेकिन और जो मंत्री हैं वो इन सवालों से बचते नजर आए हैं। साफ तौर पर आपने देखा, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन थे, उनसे हमने जाना कि आखिरकार वो छठ घाट पर पहुँचे थे निरीक्षण करने के लिए। बिहार में बिहार का महत्वपूर्ण त्यौहार छठ जो है वो आ रहा है, और उसको लेकर इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तैयारियों का जायज़ा लिया। और आज बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने देखे हैं आपने कि किस तरीके से तमाम तस्वीरें जो है वो नितिन नवीन ने एक एक चीज़ों का जब जायज़ा लिया है, वो तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं।